राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमो। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमो। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। शनिवार दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी गई। पूरे देश में जहां लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे, वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों के मतदान के पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जिसको लेकर चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। वहीं दमोह में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा, वहीं चौथे और आखिरी चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नवागत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, नवागत पुलिस अधीक्षक श्रुत कृति सोमवंशी के साथ जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी। दमोह में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। वहीं इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। वहीं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पूरे देश में एक साथ 4 जून को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा, इसको लेकर जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हमें विस्तार से जानकारी दी। मैंने अभी विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखा, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि कितना लोगों ने बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव में मतदान किया है। इस उत्साह को हम और आगे ले जाना चाहेंगे, तो मैं दमोह लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से एक बार पुनः विनम्र अपील करना चाहूंगा कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में, जो कि देश का गर्व है, अधिक से अधिक संख्या में निकल करके मतदान करें और हमारा जिला प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से तैयार है। अब मैं अपील करूंगा हमारे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, दमोह में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कानून और नियमों की मंशा है, उस मंशा के अनुसार हमने सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस में, मीडिया में, मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों को हमने सारे प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया। और इसके बाद राजनीतिक दलों के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ भी मेरी और SP साहब की अभी बैठक है। हम लोग उनके साथ भी आचार संहिता और हमारे नामांकन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम करेंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस कारण संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, आयुध अधिनियम, इस प्रकार से सभी अधिनियमों के अंतर्गत हम तत्काल प्रभाव से कार्यवाहियां प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका कि प्रभाव अब आपको लगातार देखने को मिलेगा।
और इसी के साथ नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप भी क्रियाशील हो गया है, जिस पर कि वो जा कर के राजनीतिक प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमारा शिकायत सेल सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता के जो अन्य प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास आदि सब पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी। सो इन सब माध्यमों से जो है आदर्श आचरण संहिता को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ करने वाले हैं। ओके सो जो जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है, उसी पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ साथ जो है वो MCC भी लागू हो गई है। तो पहली तैयारी के रूप में MCC के जो नियम कानून हैं उनका हम 100% पालन कराएंगे, हमारा जोर इस बात पर होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, जिसमें SST FST वीडियोग्राफी की टीम है, उसके अलावा पोलिंग तक की जितनी व्यवस्था है उसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उसमें जितने बल की ज़रूरत है, PHQ से जो सहयोग की ज़रूरत है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो ज़रूरत है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। इसके संबंध में हमारी चुनाव संघ का गठन भी हो चुका है। रही बात इसमें जो जनता का सहयोग है या मीडिया कर्मियों का सहयोग है, उसमें जैसे अभी भी एक पिछली मीटिंग में ये पॉइंट आ रहा था कि जनता का जो इनपुट है वो लोगों तक अधिकारियों तक बहुत लेट पहुँच रहा है और उस पर कार्रवाई भी और लेट हो रही है। तो अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इस संबंध में एक बैठक रख रहा हूँ कि हम और कोई ऐसे तरीके ऐसे या कोई और ग्रुप्स व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से जनता का इनपुट तुरंत ले पाएँ और उस पर फौरी एक्शन हम तुरंत वहीं पर कर पाएँ। इस संबंध में हम एक आज मीटिंग करेंगे जिसमें ये विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो उस पूरी व्यवस्था का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये रहेगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाए। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।